हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिटू पात्र। तो आज का टॉपिक है वेट एंड कैलकुलेशन। ये लूम के विभिन्न कैलकुलेशन में अंडर में आता है। तो इसमें हमारे वेट कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, वेट का किस रेट से वो कंजप्शन हो रहा है, और तो अगर एक लूम सेट में 100 लूम, 150 लूम है, 200 लूम है, तो ये पर डे में हो या पर शिफ्ट में हो या तो पर वन आवर में हो, कंजप्शन क्या है वेप्ट का, किस रेस्ट में कंजप्शन हो रहा है। तो उसका या तो इनडायरेक्टली बोलो, उस लूम सेट के लिए हम एक टाइम सर्टन टाइम पीरियड में हमें वेप्ट यान कितना चाहिए या तो वेप्ट यान का रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसके ऊपर कैलकुलेशन रहेगा ये वीडियो। तो वेप्ट कैलकुलेशन इसका हेडिंग दिया हूँ, वेप्ट यान कैलकुलेशन कंजप्शन रिक्वायरमेंट। यानी कि वेप्ट यान कैलकुलेशन में वही आएगा वेप्ट यान कितना कंज्यूम हो रहा है, तो उसी हिसाब से हमें वेप्ट यान का स्टॉक मतलब रखना पड़ेगा, पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा। या तो वेप्ट यान रिक्वायरमेंट बोलो, या तो यान कैलकुलेशन बोलो, या तो यान कंज्यूशन बोलो, तीनों बात एक ही है कि वेप्ट यान का कैलकुलेशन मोटा मोटी यही आ जाता है। और वेप्ट यान का कैलकुलेशन में हम केजी के हिसाब से निकालेंगे या तो उसका कुछ वेट यूनिट के हिसाब से निकालेंगे, केजी का ही निकालेंगे, और केजी के बाद वो तो टन में कन्वर्ट हो सकता है, पाउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो केजी का मोटा मोटी केजी का ही निकालेंगे कितना है, जैसे अमाउंट ह्यूज होता है तो फिर वो टन में कन्वर्ट होता है। तो इसके पहले आपको काउंट से जो एक तो इंग्लिश काउंट में अगर कुछ दिया रहता है, यान का यान काउंट इंग्लिश काउंट में रहता है, या तो यान काउंट हमारे डेनियन टेक्स काउंट में रहता है, तो उसका लेंथ से वेट और वेट से लेंथ कैसे निकालना है, ये तो हम पिछला वीडियो में डाले हैं। हमारे वीडियो जो है डायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, काउंट सिस्टम का वेट कैलकुलेशन, लेंथ कैलकुलेशन, ये सभी में है। मेरा वीडियो में सर्च कीजिए तो वो आ जाएगा। टेक्स्ट डेनियर सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम, ये चीज़ें लेंथ एंड वेट कैसे निकालते हैं अगर काउंट दिया रहता है। तो आज क्या है वो वीडियो है, एक दूसरा वीडियो हम पिछले बार डाल रखे थे क्रिम परसेंटेज और रीगेन परसेंटेज, श्रिंकेज क्या है कपड़े के, वो तो वो भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो क्रिम और हमारा काउंट, जैसे लेंथ और इतना लेंथ का है तो उसका वेट कितना होगा, और क्रीम परसेंटेज हम कितना लेंथ कंज्यूम हो रहा है, ये सारा को लेके हम यही निकालेंगे कि वेट एन कितना रिक्वायरमेंट होता है। मतलब जैसे कि एक सर्टन टाइम पीरियड ये 24 घंटे का निकालेंगे, तो 24 घंटे के लिए कितना वेट रिक्वायरमेंट होगा। अगर पर मशीन का निकाल देंगे, फिर जितने भी मशीन है क्वालिटी अलग अलग होते हैं, ये सारा को लेके फिर वो सारा निकलता है वेट कितना रिक्वायरमेंट होता है। तो पहले एक मशीन का निकाल के देखेंगे, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। जैसे क्वालिटी 10 के जगह 20 काउंट हो गया, 30 काउंट हो गया, उसके लिए सेम प्रोसीजर। सिर्फ एक मशीन का मैं लेके एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो हमारे 24 घंटे का वेप्ट यान कितना रिक्वायरमेंट होगा वो निकालते हैं, ठीक है। और वीडियो चलते हैं। वीडियो को चलने के पहले आपको वो समझना पड़ेगा वेप्ट यान रिक्वायरमेंट हमारे खबरी बनाने के लिए होता है। जैसे वार्प का श्रिंकेज होता है, बीम लेंथ कुछ फीड रिया जाता है साइजिंग से, तो उस बीम लेंथ से हम कपड़ा तो उतना नहीं बनता है, उसमें श्रिंक होके कुछ कम बनता है। जैसे 2000 मीटर का बीम है, उसमें मान के चलो 10% का श्रिंकेज लगा देंगे, तो 10% में कितना बनेगा, 200 मीटर माइनस होकर बनेगा, यानी कि 1800 मीटर का कपड़ा बनेगा। तो इस हिसाब से वेप्ट यान का, जैसे कि वेप्ट यान अपना छोटा पैकेज में आता है, कौन में आता है, चीज़ में आता है, ओपन एंड का यान हो तो चीज़ में आता है, लाइक्रा और ये हमारे कॉटन रिंग स्पॉन यान, कम्पैक्ट यान, कॉमडी यान, ये सारे कौन टाइप के में आता है। तो ये पैकेज का वेट भी पर्टिकुलर कुछ वेट है तो उसका लेंथ भी है। तो जितना भी लेंथ का हम फीड दे रहे हैं तो उसका कुछ उसमें भी श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है। जो लेंथ दिया जाएगा उसमें से कपड़े जो बनेगा उसमें वो ज़्यादा कपड़े में जितने विड्थ का चाहिए उससे ज़्यादा लेंथ की मतलब वो कंजप्शन होगी, तो वो श्रिंकेज होता है। कितना श्रिंकेज के ऊपर डिपेंड होता है कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा वेप्ट का, ठीक है। ये कैलकुलेशन अभी निकालते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट मशीन, मतलब एक मशीन का बनाया हूँ, जैसे कि ये रीड है, ये रीड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रोफाइल रीड है, जो एरिएट मशीन में यूज होता है, रीड स्पेस टोटल रीड यही है,
हमें यहाँ से लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट डेंट है और राइट साइड का लास्ट साइड यानी राइट साइड का लास्ट डेंट का ये टोटल इतने में ड्राइंग विड्थ है मशीन का, जो भी बीम का धागा आ गया यहाँ से लेके वहाँ तक भराई मतलब डेंटिंग किया गया है। और उसमें कपड़ा कुछ टेंशन में जब कपड़ा ये रीड बिटिंग करता है वो कपड़ा थोड़ा सा दोनों साइड से श्रिंक करता है, कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट होने के बाद ये फैब्रिक रोल में आ जाता है। तो पीछे हम वार्प कैलकुलेशन में निकाले थे बीम लेंथ दिया रहता है तो उसमें हम कितना कपड़ा बना सकते हैं या तो कुछ पर्टिकुलर कपड़ा मतलब ऑर्डर है उसके लिए हम कितना वार्प चाहिए वो निकाले थे। आज का मेन फंडा ये है वेफ्ट रिक्वायरमेंट कितना होगा। अगर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया रहता है फैब्रिक का विड्थ पता हो, कांट पता हो, उसमें वेफ्ट का क्रीम पता है और उसमें तो फिर उसका निकालेंगे कैसे वेफ्ट एंड कंजप्शन क्या है। मान लो तो यहाँ पे क्या है रीड वीड जितना है ये पूरा फुल रीड मतलब उस टाइम पीक लगा नहीं रहता, इंसर्ट नहीं हो रहा, तो ये पूरा स्ट्रेटन लेंथ है, ये जैसे श्रिंकेज होके कपड़ा इतना ही बनता है। तो हमारी जो फैब्रिक का अभी डाटा दिया जाएगा ये कपड़े का ही दिया जाएगा बल ना कि ये रीड का दिया जाएगा। वो फैब्रिक का जो स्पेसिफिकेशन है एंड्स इंच पी पी आई एंड्स पर इंच पी पी पिक्स पर इंच उसका काउंट उसका बीम इसका जो भी पैरामीटर्स है वो उसी का दिया जाएगा, उससे हम श्रिंकेज को कितना है वो निकालेंगे। जैसे कि ये फैब्रिक विड्थ हो गया कम तो उसका इतना कपड़ा विड्थ का वो मतलब कपड़ा बनाने के लिए फैब्रिक विड्थ इसमें जो वेब टैन रहता है ये जब रीड में इंसर्ट किया जाता है तो उसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो वो कितना वो डिपेंड करता है हमारे क्रीम के ऊपर। तो ये निकालते हैं अभी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं डाटा क्या है उसमें। जैसे कि मान के चलो डाटा दिया है कि वेफ्ट का रिक्वायरमेंट वेफ्ट हो गया 40 काउंट इन इंग्लिश सिस्टम में 40 काउंट यानी और ग्रे विड्थ ये जो निकालेंगे फिनिश विड्थ के नहीं क्योंकि फिनिश में भी उसका भी श्रिंकेज का इफेक्ट पड़ता है, तो हमें ये ग्रे विड्थ के ऊपर डिस्कशन करके वेट कैलकुलेशन निकालेंगे। ग्रे विड्थ मान लो 160 सेंटीमीटर और वेफ्ट का क्रिम्प वेफ्ट क्रिम्प परसेंटेज मान के चलो 7%। वेफ्ट काउंट दिया गया, ग्रे विड्थ दिया गया, वेफ्ट का क्रिम्प परसेंटेज मान लो 7%, वेस्टेज मान लो 2%। वेस्टेज इसलिए मैं 2% लिया क्योंकि वहाँ पे जो राइट साइड में जब इंसर्ट होता है लास्ट में कुछ धागा वेस्ट में निकलता है, वेफ्ट का कटर काटता है ना उसके बाद फिर वो वेस्ट में निकल जाता है, इसलिए वेस्ट परसेंटेज भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वेफ्ट एंड का भी अगर वेस्ट परसेंटेज इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर वो लाएंगे कहाँ से, इसलिए वो पहले से फिट करना पड़ता है कैलकुलेशन करके। तो यही है डाटा इतना ही दिया गया है तो उससे हम निकालेंगे वेफ्ट का कैलकुलेशन वेफ्ट कितना लगेगा। तो इसमें फैब्रिक है वेफ्ट कैलकुलेशन निकालेंगे कितना 24 घंटे का निकालना है और मशीन चल रही है 900 RPM और 90% एफिशिएंसी 90% मशीन का RPM इतना 24 घंटा ठीक है इतना ही 24 घंटा में 900 RPM मशीन में 90% की एफिशिएंसी में कितना वो चाहिए मतलब कितना वेफ्ट रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे PPI भी लिख लेते हैं, एक पॉइंट और देते हैं PPI यानी कि 70 पिक ठीक है। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है तो हम वेट एंड कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। फास्ट तो ये रहेगा जैसे कि फैब्रिक वर्थ दिया गया है 160 सेंटीमीटर, उससे वही एक सिंगल पिक को जब स्ट्रेटन करेंगे मतलब उसमें ऐड करेंगे फैब्रिक वर्थ में उसको ऐड करेंगे किसको क्रीम परसेंटेज को, फिर उसका स्ट्रेटन लेंथ रहेगा। स्ट्रेटन लेंथ निकलने के बाद वेस्टेज परसेंटेज को हम ऐड करेंगे तो एक सिंगल पिक का वो विड्थ पता लगेगा कि एक सिंगल पिक में इतना विड्थ का यान कंज्यूम हो रहा है या तो वेट कंज्यूम हो रहा है। जैसे वो निकाल देंगे तो 24 घंटे में 900 RPM में
900 RPM में टोटल जितना पीक रखता है उतना पीक का ही हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। जैसे एक सिंगल वेप्ट का पूरा स्ट्रेटन लेंथ निकल गया है तो 900 RPM में और 24 घंटे का निकालना है, लूम चलिए 90%, तो जितना भी पीक लगा है सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का अगर विड्थ पता है सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल स्ट्रेटन लेंथ वेप्ट का निकल जाएगा। और हमारे पता है 40 काउंट का वेप्ट है तो वेट काउंट पता है, लेंथ पता लग गया तो उसका कितना वेट है यानी कि कितना वजन का वेप्ट कंज्यूम हुआ वो निकाल लेंगे। तो पहला है पॉइंट कि उसका स्ट्रेटन लेंथ क्या है, फाइंड आउट स्ट्रेटन लेंथ ऑफ वेट एंड स्ट्रेटन लेंथ। तो यही है स्ट्रेटन लेंथ ऑफ वन पीक को वो निकालते हैं, फिर एक पीक का जैसे भी स्ट्रेटन लेंथ मिलेगा उसको टोटल 900 RPM के हिसाब से 90% चला है तो 24 घंटे का कितना वेप्ट लगेगी रिक्वायरमेंट या तो वेप्ट एंड कितना कंज्यूम हुआ केजी में वो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटन लेंथ ऑफ वन पीक का सिंगल पीक का एक स्ट्रेटन लेंथ निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक सिंपल है कि फैब्रिक विड्थ क्या है, ग्रे विड्थ उसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये होगा ग्रे विड्थ, ग्रे विड्थ के साथ उसका ग्रे विड्थ ये हो गया, उसमें क्रीम परसेंटेज उसका कितना है उसी विड्थ में, तो वो ऐड होगा क्या है वन ग्रे विड्थ इंटू वन प्लस क्रीम परसेंटेज। इसमें क्या हुआ ग्रे विड्थ वन प्लस क्रीम परसेंटेज ब्रैकेट करके मैं बनाया, इसलिए ग्रे विड्थ ये का ग्रे विड्थ का ग्रे विड्थ रह गया और वो तो रहा इसके साथ ऐड होगा उसका परसेंटेज कितना है, तो वो हो जाएगा क्या है स्ट्रेटन लेंथ। ठीक है स्ट्रेटन लेंथ है एक सिंगल पिक का, पर वेस्टेज के लिए हम क्या किए हैं, वेस्टेज के किए क्या हैं 2% और वेस्टेज का 2%, वो 2% कौन सा है ये इसी का फुल स्ट्रेटन लेंथ का, हाँ फुल स्ट्रेटन लेंथ का वेस्टेज परसेंटेज वेस्ट परसेंटेज। तो उसके ऊपर स्ट्रेटन लेंथ ऑफ वन पीक निकालेंगे, जैसे कि ग्रे विड्थ हो गया यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, वन प्लस क्रीम परसेंटेज कितना है 700 प्लस वेस्ट परसेंटेज छोड़ो वो बाद में निकाल लेंगे, अभी इसके बाद वो रिटर्न करेंगे वेस्ट परसेंट कितना होगा, 160 इंटू ये कितना हो जाएगा 107 डिवाइडेड 100 प्लस वेस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 171.2 सेंटीमीटर प्लस वेस्ट परसेंटेज, और वेस्ट परसेंट मैं लिया हूँ 2%, तो इसका 2% कितना होगा 71.2 सेंटीमीटर प्लस इसका वेस्ट परसेंटेज कितना होता है 171.2 का वेस्ट परसेंटेज यानी कि 171.2 इंटू 2% यानी कि 0.02, ये जो आएगा टोटल एक सिंगल पी के स्ट्रेटन लेंथ आ जाएगा, ये 171.2 सेंटीमीटर वेस्टेज परसेंटेज मिला दो इंटू 0.02 3.4 सेंटीमीटर से 71.2 सेंटीमीटर प्लस 3.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो रहा है 174.6 सेंटीमीटर। ठीक है 174.6 सेंटीमीटर वो हो जाता है अपना एक सिंगल पीक का स्ट्रेटन लेंथ। तो अभी एक सिंगल पीक का स्ट्रेटन लेंथ है निकल आया कितना 174.6 सेंटीमीटर, तो इसको भी एक बार और बताते हैं रिपीट करते हैं, स्ट्रेटन लेंथ वही होगा, ये हो गया ग्रे विड्थ, उसके साथ हम ऐड करेंगे क्रीम पर उसी का ग्रे विड्थ का ही क्रीम परसेंटेज ऐड करेंगे और लास्ट में टोटल जो लेंथ आया उसका वेस्टेज परसेंट लेंगे 2% क्या होता है कभी कभी 2.5% का भी रखते हैं, 3% तक मतलब वो मतलब मार्जिन है 2.5-3% 2% तक। तो 160 सेंटीमीटर का विड्थ था
और उसका 160 का ये 7% लेके ये निकला 100 जो भी करके 171.2 आया। वेस्टेज परसेंट 2% उसी स्ट्रेटेंड का 2% का वेस्टेज लेंथ ये किया मतलब उसका निकाला तो 171.2 सेंटीमीटर प्लस 3.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 174.6 सेंटीमीटर। तो अभी लास्ट में कंफर्म ये हो गया कि एक सिंगल पीक का जो विड्थ है या तो उसका जो लेंथ है एक सिंगल पीक का 174.6 सेंटीमीटर। तो इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ यही याद रखना है सिंगल पीक का जो विड्थ है 174.6 सेंटीमीटर, 174.6 सेंटीमीटर। तो ये सिंगल पीक का आ गया, सिर्फ ऐसे ही लिख देता हूँ 174.6 सेंटीमीटर सिंगल पीक का, ठीक है सिंगल पीक का 174.6 सेंटीमीटर। तो अभी एक सिंगल पीक का पता लग गया, अभी एक पीक का डायमेंशन पता लग गया। तो टोटल जितना भी पीक लगा है 24 घंटे में 900 RPM का 90% में वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 24 घंटे में जो पीक लगा है उसका वो लेंथ आ जाएगा जो फाइनल लेंथ। तो 24 घंटे में जो लेंथ आया उसके लिए तो जो यान लगा होगा तो इनडायरेक्टली वो यान का ही लेंथ आएगा, यान का लेंथ आया तो काउंट पता है वो वजन निकाल देंगे। तो अभी 900 RPM के 90% में 24 घंटे में टोटल कितना पे टोटल नंबर ऑफ पीक्स इंसर्टेड इन मशीन विल बी इक्वल टू कितना 900 का 90%, ठीक है 900 का जो भी 90% हुआ इंटू 24 इंटू 60 यानी मिनट का 900 का 90%, यानी कि इसको ऐसे भी लिख देते हैं 90% 90/100, 900 का 90% जो हुआ पर मिनट का पीक लगा और 24 घंटे का दिया है तो एक घंटे का 60 मिनट तो 24 घंटे टोटल इतना मिनट पर मिनट में इतना है तो ये हो गया टोटल इतना मिनट, इतना मिनट में कितना लगा है इसको सॉल्व कर देते हैं कट। तो लास्ट में कितना आएगा इसको सॉल्व कर देना 90% 810 ये हो गया 810 इंटू 24 इंटू 60 लगा 11,66,400 पिक्स 100,000 यानी 1,11,66,400 पिक्स लगा है 24 घंटा में एक मशीन में 900 RPM मशीन चली और 90% के हिसाब से कितना 11,66,400। इसको एक बार और बढ़िया से कर लेते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ, 900 RPM का 90% यानी कि कितना हो रहा है 810 पीक पर मिनट में 24 घंटा होता है 24×60 मिनट यानी कि 11,66,400 पीक 11,66,400 पीक। तो एक सिंगल पीक है अभी लेंथ पता है 174.6 सेंटीमीटर तो इतना पीक्स का लेंथ कितना होगा तो टोटल वेप्ट लेंथ इक्वल टू 11,66,400 इंटू 174.6 सेंटीमीटर इक्वल टू इसको भी करते हैं ना इसको सॉल्व करें तो पूरा टोटल वेप्ट लेंथ आ जाएगा 11,66,400 इंटू 174.6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आया कितना आया 2,036,53,440 सेंटीमीटर ये है ना। तो कितना आया वे 20,036,53,440 1,03,000,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 
एक दो सौ हजार अने 20,36,53,440 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आया उसके
टोटल बेप्ट लेंथ, इसको हम यार्ड कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में यार्ड के ऊपर जब लेंथ रहता है तो वो यार्ड कन्वर्ट कर देंगे तो वो आसान हो जाएगा। तो एक यार्ड होता है कितना, 36 इंचेस। तो 36 इंचेस कितना होता है सेंटीमीटर में, 36 इंटू 2.54 91.44 सेंटीमीटर। यार टोटल को 191.44 सेंटीमीटर में भाग दे देंगे तो यार्ड निकल जाएगा। तो उसको भाग दो ना 91.44 में, कितना आ जा रहा है, 23653 डिवाइडेड 91.44 इक्वल टू 22 7181.1 यार्ड। यार्ड में आया 22,27,181.1 यार्ड में आया टोटल वेप्ट लेंथ। वो वेप्ट लेंथ किसका है, पूरा 24 घंटे में एक लूम पे 900 RPM का 90% में जो लगा है, दिख रहा ना सही से नीचे का, हाँ ठीक है, इसको नोट करना है। अभी टोटल कितना हुआ, ये लेंथ है 22,27,181.1 यार्ड, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अभी। बाईस लाख 27,181.1 यार्ड। तो फास्ट हम सिंगल पिक का निकले, फास्ट सिंगल पिक का निकाले, फिर निकाले टोटल 24 घंटे का कितना पिक लगा, तो वो सिंगल पिक को और पूरा पिक का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल सारे पिक का 24 घंटे का इतना यार्ड लेंथ में आ गया, लेंथ मतलब यार्ड यूनिट में आ गया। अभी इंग्लिश काउंट में दिया गया है यार्न का काउंट, वेप्ट का काउंट, तो आराम से निकाल देंगे। और इंग्लिश काउंट ये कहता है कि 40 काउंट में, यानी कि 40 काउंट का मतलब ये है 40 × 840 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम, ठीक है। तो 1 यार्ड का वेट इक्वल टू कितना आएगा, 453.6 डिवाइड बाय 40 × 840। तो एक यार्ड का जो ग्राम आएगा वो उतने को इतने में मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ग्राम निकलेगा, ग्राम को 1000 में डिवाइड कर देंगे तो केजी निकलेगा, ये सिंपल है। तो एक यार्ड का कितना हो रहा है ये सॉल्व करते हैं ना, चार सौ तिरपन पॉइंट सिक्स सॉल्व करो एक बार, 53.6 0.0135 ग्राम एक यार्ड का। तो टोटल वेट कितना लगा, टोटल वेप्ट रिक्वायरमेंट इन केजी इक्वल टू कितना होगा, टोटल वेप्ट रिक्वायरमेंट इन केजी, अगर एक यार्ड का ग्राम इतना आ रहा है टोटल यार्ड का कितना आएगा, 22,27,181.1 इंटू 0.0135 ये ग्राम आया, इसको डिवाइड करो 1000 में तो ये केजी आ जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। ये एक यार्ड का इतना ग्राम, टोटल यार्ड का आया इतना ग्राम ऊपर का, फिर 1000 में डिवाइड कर दिया तो 1 किलो का आ जाएगा, 1 किलो का अपन किलो में आ जाएगा, पर किलो यूनिट में आ जाएगा, यानी टोटल वेट का वेट 22,27,181.1 इंटू 0.0135 कितना आ रहा है, यह आ रहा है 366.94 ऊपर का डिवाइडेड 1000, यह आएगा केजी में, उसको केजी में डिवाइड करते ना, यानी कि केजी में आ रहा है 30.06 एंड 30.06
06 केजी का वेफ्ट रिक्वायरमेंट है, कितने 900 आरपीएम में 90% का 24 घंटे लूम चलता है तो वो इतना ले लेता है, 30.06 किलो का वेफ्ट रिक्वायरमेंट होता है पर मशीन में अगर 90% चलती है तो। इस डाटा को लेकर हम इतना ही निकाले लास्ट में। तो इसमें सिंपल यही है, फास्ट स्ट्रेटन लेंथ निकाले, ग्रे विड्थ उसमें क्रीम परसेंटेज कितना है वो ऐड कर दिए, उसका वेस्ट परसेंटेज ले लिए, एक सिंगल पी का विड्थ निकला, टोटल 24 घंटे का हो, एक घंटे का हो, 8 घंटे का हो, एक हफ्ते के भी हो, तो वो टाइम यूनिट को अपन ले कर फिर जितना भी टाइम यूनिट में कितना पीक लगेगा उसका निकाल के टोटल पीक को सिंगल पीक का विड्थ में मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वेफ्ट का लेंथ आ गया कितना, जो टाइम पीरियड लिया उतने में कितना वेफ्ट इन लेंथ में कंज्यूम हुआ है, फिर उस लेंथ को अभी काउंट दिया गया है तो काउंट और लेंथ से लेके हम निकाले वेफ्ट उसी टाइम पीरियड में कितना। जैसे यहाँ 24 घंटे का निकाला था तो 24 घंटे में 30.06 किलो पर मशीन ले रहा है, अगर मशीन 100 है या तो उसी क्वालिटी का 20 लूम चल रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे कि दूसरा कोई क्वालिटी है काउंट उसमें अलग कुछ दिया होगा, क्रीम परसेंटेज अलग कुछ होगा, ग्रे विड्थ भी अलग होगा, वेस्टर्ड परसेंट हो सकता है 2.5%, 3% होगा, 2.7% हो सकता है, तो उसके हिसाब से वो भी निकालेंगे, ये सारा ऐड कर देंगे, फिर लास्ट में एक लूम सेट का टोटल वेफ्ट रिक्वायरमेंट निकलेगा, ये सिंगल मशीन का है वो डबल मशीन होगा, ट्रिपल मशीन होगा, 50 लूम होगा, 100 लूम होगा, या तो ये सेम क्वालिटी का 20 लूम भी हो सकता है। तो यही है, एक मशीन का 24 घंटे में हम निकाले हैं, इसको हफ्ते में निकालोगे तो फिर मल्टीप्लाई 7 करना पड़ेगा, यही है और सिंपल है और कुछ नहीं है, वेफ्ट रिक्वायरमेंट का हम निकाल दिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखना पड़ेगा, यहाँ पे वेफ्ट में सम हम सिर्फ हम 40 काउंट का ही लिए हैं, अगर इसमें मान लो 40 और 16 काउंट मिक्स रहता है या तो कुछ रेशियो में इंसर्ट होता तो उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो देखते रहिए, और भी बहुत कैलकुलेशन के ऊपर डालेंगे, और आज ये जो वीडियो था हमारे व्यूवर्स की डिमांड की थे तो इसलिए मैं डिजाइन के कुछ मतलब 4-5 वीडियो डालने के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, फिर आगे और डिजाइन का भी वीडियो आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Okay.